दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जैन पाठशाला। तो लगभग 41 तक का श्लोक कंठस्थ हो गया है, तो आज हम चलेंगे 42 और 43 की ओर। और मेरा एक वीडियो रहेगा जो लास्ट वीडियो है, तब तक आपका लगभग मुझे लगता है कि आप लोगों ने कंठस्थ कर लिया होगा। तो 42 और 43 में आचार्य मानतुंग कहते हैं, प्रभो आपके नाम स्मरण मात्र से बेड़ियां और सांखले टूट जाते हैं, पद के बंधन टूट जाते हैं, आदमी स्वस्थ और सुरक्षित बन जाता है। मूल प्रश्न है दोस्तों विश्वास और श्रद्धा का। आप भी विश्वास और श्रद्धा के साथ इस भक्तामर का उच्चारण करेंगे और कंठस्थ करने का भी प्रयास करेंगे। मन में विश्वास और श्रद्धा होना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक अपने मन में विश्वास और श्रद्धा नहीं आएगा, कुछ भी हमें लाभ नहीं मिलेगा। अपने जीवन की सफलता की कुंजी यही है कि हम हर चीज पे श्रद्धा और विश्वास रखें। तो उनके लिए, और वो ये भी कहते हैं आचार्य मानतुंग जी, कि जो व्यक्ति फतेह लिंग की पद्धति को जानता है उनके लिए ये चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगी कि आप कुछ भी ध्यान करें, आप जो भी कंठस्थ करें या कुछ भी धर्म का पढ़ें, तो आपके मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करोगे तो वो एक एक्स्ट्रा पावर आपका बन जाएगा और उसकी सफलता आपको तुरंत मिल जाएगी। तो चलिए कंठस्थ की ओर। 42 श्लोक को बंधन विमोचक श्लोक भी कहा जाता है। मैं हर एक लाइन को दो बार प्रोनाउंस करूंगी और आप मेरे पीछे पीछे कहें, आपाद कंठ मुरुश्रंखल वेष्टितांगा। ये ऐसे ही दिया हुआ है, गा इसे प्रोनाउंस करे तांगा, ये डॉट ऊपर आना है, ऐसे भी लिखते हैं काफी में, तो तांगा। आपाद कंठ मुरुश्रंखल वेष्टि तांगा, गाढ़म ब्रहन निगड़ कोटि निग्रष्ट जंगा। ये भी गा ही प्रोनाउंस करे, ये डॉट ऊपर आता है जंगा। त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजास्मरंत, सग स्वयं विगित बंध भया भवंती। अब पूरा पैराग्राफ कहें, चलो मेरे पीछे पीछे आप भी कहें, आपाद कंठ मुरुश्रंखल वेष्टितांगा, गाढ़म ब्रहन निगड़ कोटि निगष्ट जंगा, त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंथ, सघ स्वयं विगित बंद भया भवंती। अब राग मिलाएं मेरे साथ आप भी, आपाद कंठ मोरु शंखल वेष्टितांगा, गाढ़म ब्रहन निगट कोटि निगष्ट जंगा, त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंथ, सघ स्वयं विगित बंद भया भवंती। 43 श्लोक को अस्त्र शस्त्र स्तंभक श्लोक भी कहा जाता है। मैं हर एक लाइन को दो बार कहूंगी और आप मेरे पीछे पीछे इसका उच्चारण करें, मत्त ये आधा त और पूरा त, मत्त द्विपेंद्र द और व हो जाता है, द्विपेंद्र मृग राज मृ और र की मात्रा, म और र की मात्रा, मृग राज दवा न लाही, मत्त द्विपेंद्र मृग राज दवा न लाही, संग्राम वारिधि महोदर बंद नोथम, संग्राम वारिधि महोदर बंद नोथम, तस्याशुनाश मुपयाति भयं भयेव, तस्याशुनाश मुपयाति भयं भयेव, यस्तावकम् स्तवमिमं मतिमान धीते, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते।
अब पूरा पैराग्राफ दो बार कहेंगे, मत द्विपेंद्र मृगराज दवा न लाही संग्राम वार भी महोदर बंद नोथम तस्याशुनाश मुपयाति भयं भीएव यस्ता वकं स्थवमिमं मतिमान धीते। अब राग में राग मिलाए, मत द्विपेन्द्र मृग राज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंद नोथम तस्याशुनाश मुपयाति भयं भीएव यस्तावकं स्थवमिमं मतिमान धीते। आज हमारा 43rd गाथा और 42nd गाथा संपूर्ण हो गया। वास्तव में दोस्तों, आचार्य मानदुम ने सब शक्तिशाली स्तोत्रों की रचना की है। उनके स्तवन करने से एक प्रकार की शक्ति पैदा होती है, जागती है, और वह शक्ति कमजोर व्यक्ति को परास्त कर देती है। वह शक्ति पुद्गल की शक्ति है, परमाणुओं की शक्ति है। शक्तिशाली परमाणु कमजोर पुद्गल के परमाणुओं को भगा देती है और नष्ट कर देती है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगी कि आप उच्चारण आप डेली लाइफ में हर रोज करें, इसके लिए एक 10 मिनट 15 मिनट समय निकालें तो आपकी जिंदगी में कभी कष्ट आने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप सदा सुखी रहेंगे और शांतिमय बनाए रहेगा, आपका वातावरण भी शांतिमय बनाए रहेगा। तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे इस वीडियो को आप शेयर लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें और नीचे दिए गए इस बेल आइकॉन को भी दबाना न भूलें। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मेरा एक लास्ट वीडियो भक्तामल का होगा, 44 वाला श्लोक जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा उसी से मेरा ये चैनल समाप्त नहीं होगा, मैं आपके साथ नए नए कुछ चीजों के साथ पेश होती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।